सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की कुछ अपडेट के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शज़ाम मूवी में मेरी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ग्रेस फुल्टन की। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कि शज़ाम मूवी के पार्ट वन में ग्रेस फुल्टन ने मेरी का रोल प्ले किया था एंड सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरी का रोल प्ले करती थी मिचेल बोर्थ। तो अब शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में थोड़ी सी चेंजिंग करने की जाने वाली है गाइस मैरी के कैरेक्टर को लेके। तो गाइस अब हमें मिचेल बोर्थ एडल्ट मैरी का रोल प्ले करते हुए नहीं देखेंगी, अब एडल्ट मैरी का रोल भी खुद ग्रेस फुल्टन ही करेंगी। तो हाँ गाइस अब ग्रेस फुल्टन हमें ट्रांसफॉर्म होने से पहले एंड ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी ग्रेस फुल्टन ही देखेंगी मैरी के रोल में। नेक्स्ट अपडेट है एलिन मिरन से जो शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में हेस्पेरा का रोल प्ले करने वाली हैं। हाल ही में एलिन मिरन के कुछ सेट फोटोज़ लीक हुए हैं जिन फोटोज़ में हम उन्हें डेमी गॉड हेस्पेरा के कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। इन इमेजेस में वो शज़ाम से कुछ बात करती हुई दिखाई दे रही हैं एंड इस कॉस्ट्यूम को हम कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं कह सकते हैं बट उससे कुछ सिमिलर ही लग रहा है एंड जो भी वो कॉस्ट्यूम काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अगली पिक्चर फर्स्ट लुक इमेज है जिसे ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है जिसमें हम ऑल सिक्स सुपर हीरोज़ को उनके सुपर सूट में देख सकते हैं। मुझे तो सबके सूट सेम ही लग रहे हैं बस कलर डिफरेंट है पर फर्स्ट शज़ाम मूवी से काफ़ी अच्छे हैं ये। एंड इस फर्स्ट लुक पिक्चर से हमें ये भी पता चल जाता है कि ग्रेस फुल्टन इसमें मैरी के दोनों वर्जन को प्ले करने वाली हैं। तो यही देगा इस आज के अपडेट शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को लेकर। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा एंड ऐसे ही और स्टफ्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय द वे यू आर ग्लोरियस।